हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आशाज कॉर्नर। तो आज का सेटअप थोड़ा सा चेंज है। मैं अभी अपने बेटे के रूम में शूट कर रही हूँ। तो आज का वीडियो है कुछ पार्टी वेयर पीसेस का, जो कि मैंने मतलब काफ़ी दिनों से किया भी नहीं है और मुझे शादी में कुछ पहनना भी था। मार्च में शादी अटेंड करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पीस मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ ना, इस तरह से आएगा, ग्रीन कलर का। सभी के सभी जस्ट मैंने ट्राई करके रखे ही हैं। ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत ग्रीन पीस है, ये डार्क ग्रीन, जिस तरह से मेहंदी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ आप देखोगे ना, पूरा जॉर्जेट का फैब्रिक है। और जो ये वाली स्लीव्स का एरिया आप देख रहे हो, प्रॉपर एम्ब्रॉयडर्ड है और गोटा पत्ती लेस वगैरह इसके ऊपर लगी हुई है। ये वाला पोर्शन आप देखोगे ना, यहाँ पर छोटा सा एक होल सा है, की होल टाइप का। यहाँ आप देखोगे तो प्लीटेड पैटर्न क्रिएट करके फैब्रिक स्टिच किया है, वी नेक बनाया है इसको, बट ये वी नेक है नहीं। और इस पे भी आपको गोल्डन कलर की लेस मिल जाएगी और सामने से ना आपको इस तरह से स्लिट का एरिया मिलेगा। ये जो एरिया आप देख रहे हो स्लिट का है प्रॉपर। और ये पीस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, पूरा जॉर्जेट का है। फ्रंट में स्लिट इसलिए दी है ताकि जो इसके नीचे बॉटम वगैरह पहनते हो वो काफी ज्यादा सेसी और काफी ज्यादा स्टाइलिश नजर आए। तो इसका जो प्लाजो है ना, बहुत ही प्यारा है, जैसे कि सेलिब्रिटीज पहनते हैं उस तरह का ये प्लीटेड प्लाजो आएगा। आप डेफिनेटली मुझे थैंक यू बोलोगे, मुझे पता है। नीचे आप क्रेप की लाइनिंग मिल जाती है, बहुत ही फ्लेयरी इसका प्लाजो आपको मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ये लगा मुझे पहनने के लिए मेहंदी वगैरह के फंक्शन में, जो ग्रीन थीम रखी जाती है, मेहंदी की थीम रखी जाती है उस तरह की पार्टीज के लिए। प्लीटेड इसको प्रेस करके जो प्लीट्स बनाई जाती है वो वाला पैटर्न है पूरा। वेस्ट में इस तरह से इलास्टिक है तो बहुत अच्छी ग्रिप आने वाली है। नीचे आप इसके साथ हील्स कैरी करो या फिर कुछ भी कैरी करो तो बहुत सुंदर लगेगा। तो अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है आप मेरा वीडियो देखते हैं। प्लस अपना प्यार और सपोर्ट भी मुझे दिखाइए, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट जो आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं। बाकी लोगों के यहाँ तो बाकी कोई रिप्लाई नहीं करते यूट्यूबर्स, फिर भी उन पर कमेंट कर रहे हैं लोग। मैं तो आपको चाहे रात को 2 बजे भी कमेंट करोगे तो भी आपको हाथों हाथ रिप्लाई करती हूँ, फिर मुझे आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो। तो कमेंट करके मुझे बताना कैसे लग रहे हैं आपको ये सारे आउटफिट। मैं आप जो दिखा रही हूँ ना वो बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह के आपने लहंगे भी देखे होंगे इसी प्रिंट में, काफी अच्छा जो अभी सीजन चल रहा है ना, सीजन आएगा, बहुत ही खुशनुमा जो प्रिंट होता है ऑटम सीजन में पहनने वाले, इस तरह से बहुत ही बड़े बड़े फूलों वाले और थिक फैब्रिक वाला ये कुर्ता है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी पिक भी बहुत अच्छी थी। लॉन्ग ये कुर्ती आएगी, जिसकी स्लीव्स भी बहुत लॉन्ग तो नहीं है, ठीक ठाक लॉन्ग स्लीव्स आएंगी। और इस तरह से जो इसका नेक है ना, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ देखो इसके नेक पे ना आपको इस तरह मोतियों की डिटेल मिल जाएगी। पूरी अनारकली कुर्ती है ये, नीचे लॉन्ग तक, चाहो तो इसे ड्रेस की तरह भी कैरी कर सकते हो। इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा पॉलिएस्टर का फैब्रिक है, थिकनेस के साथ है, कॉटन का नहीं है। श्रिंक नहीं होगा, कलर नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। बट जिनको गर्मियों में थोड़ी दिक्कत होती है ना बाकी सभी फैब्रिक से, तो उसमें हल्का सा थिकनेस आएगी फैब्रिक में। और तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा ही प्यारा लगता है पहनने के बाद, बिल्कुल हटके वाली चीज है। स्लीव्स पे भी आपको इस तरह से मोतियों का पैटर्न मिल जाएगा, ये देखो मोती मिल जाएंगे। और नीचे जो बॉटम है, बॉटम का फ्लेयर आप देख रहे हो, बॉटम का फ्लेयर बहुत खूबसूरत है। फ्लेयर में आपको इस तरह से स्टिचिंग मिलेगी, कोई इस पे लेस या फिर कोई पाइपिंग या कुछ भी नहीं है, नॉर्मल स्टिचिंग है। और यहाँ आपको ना वेस्ट में और यहाँ पे पूरा प्लीट्स डली हुई है ताकि बस्ट एरिया पे फिटिंग अच्छी है। इसकी प्राइस 665 थी। इसके साथ मुझे एक दुपट्टा भी मिला है, दुपट्टा भी सेम इसी फैब्रिक का है, बट इसका जो फैब्रिक है पॉलिस्टर ना होके ऑर्गेंजा का फैब्रिक है। इस तरह से देखो, इस वाले फैब्रिक को आप अपने बाकी किसी जो लहंगे हो या फिर कोई भी कुर्ता सेट हो उसके साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बड़े बड़े फ्लोरल पैटर्न्स हैं इसके ऊपर, चारों तरफ इसमें भी गोल्डन कलर की लेस लगी हुई मिल जाएगी। इसकी प्राइस से 665 जो कि मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगी है, क्योंकि सिर्फ इसमें कुर्ता है और एक दुपट्टा है, बॉटम भी नहीं है। बॉटम भी आपको इसके अंदर कैरी करना पड़ेगा, आई मीन लेगिंग पहननी ही पड़ेगी, क्योंकि व्हाइट कपड़ा है, ट्रांजी हो ही जाता है। तो जैसे ये मैंने टी शर्ट पहन रखी है तो ये भी ट्रांजी है, तो मैं जाती हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी है, ओम्ब्रे इफेक्ट के साथ है और टाई एंड डाई का पैटर्न लगता है। और जो पिक दिखाई गई थी ना उससे ये लिटिल बिट डिफरेंट है, वो है ये टाई एंड डाई का कॉटन का कुर्ता, बहुत ही खूबसूरत है। बेबी पिंक कलर इसका टॉप में आएगा और नीचे आप डाई पैटर्न में देखोगे तो मरून होता जाएगा धीरे धीरे, ये डार्क होता जाएगा। यहाँ लाइट है, ये हल्का सा डार्कर हुआ और नीचे जाके डार्क हो गया, बहुत ही खूबसूरत है। सिल्वर कलर का कुछ इस तरह से लाइनिंग का पैटर्न है इसके अंदर, आप देख सकते हो। और ये टियर्ड ड्रेस, यानी कि इसको टियर्ड में पार्ट्स में सिला गया है, एक दो
और इस तरह से तीन चार पार्ट्स में सिली गई है ये। यहाँ जो बस्ट एरिया है ना, यहाँ पे आपको मोती लगे हुए मिलेंगे और आर्टिफिशियल जो बीट्स होते हैं ना उनका काम है। देखो इस तरह से आर्टिफिशियल बीट्स का काम किया गया है इसके ऊपर। लाइट सही नहीं लगी थी। जो इसका फ्रंट है ना, वहां पे फ्रंट में आप देखोगे इस तरह से बीट्स का काम किया गया है और जो छोटे छोटे बीट होते हैं, मोती होते हैं, वो लगाए गए हैं। और काफी ज्यादा स्मूथ फैब्रिक है इसका, ठंडा फैब्रिक है, डबल एक्सएल इसकी साइज है और काफी ही ज्यादा खूबसूरत है। स्लीव्स देखोगे तो बहुत ही प्यारे लेस पैटर्न के साथ बनी है, बहुत अच्छा काम है लेस इसके ऊपर, स्लीव्स के ऊपर। और जो बॉटम है वो इस तरह से फ्लेयर्ड आएगा प्रॉपर। तो अब गर्मियों के लिए तो मस्ट बाय चीजें हैं। कलेक्शन आज का बहुत ज्यादा खूबसूरत है अकॉर्डिंग टू मी। अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या मतलब आपको लग रहा था कि कैसा लगेगा, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि कमेंट करने में इतनी ज्यादा कंजूसी करते हो आप लोग, पता नहीं क्यों, क्या करोगे इतना सारा टेक्स्ट बजा के, कमेंट करा करो यार, मुझे भी अच्छा लगता है। ये एक थ्री पीस का सेट आएगा, इसमें आपको क्रॉप टॉप मिलेगा, स्कर्ट मिलेगी और एक जैकेट मिलेगा। तो गाइज ये है वो सेट पूरा। यहां आप देखेंगे तो आपको ये स्कर्ट मिल गई, जिगजैग पैटर्न, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न के साथ है ये पूरी। एक स्कर्ट है कॉटन की, 100% कॉटन है। तो मैं आपको दिखा रही हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से लाइट पास हो रही है हल्की सी, तो आप शॉर्ट्स वगैरह कैरी करें फॉर योर प्राइवेसी। तो ये एक स्कर्ट मिलती है आपको जिसमें आपको वेस्ट में इलास्टिक मिल जाएगा, डबल एक्सएल इसकी साइज। क्रॉप टॉप दिखाना चाहूंगी डबल एक्सएल साइज में, सेम क्रॉप टॉप सेम स्कर्ट का पैटर्न है। ये देखिए स्लीवलेस आएगा ये पूरा का पूरा, छोटा सा एक टॉप आएगा ब्लाउज काइंड ऑफ, ये एक आपको टॉप मिल जाएगा। आप इसका प्रिंट अच्छे से देख सकते हैं, मैं क्लोजअप पिक भी लगा दूंगी इसकी। ऊपर जो आपको श्रग मिल रहा है ना, आई मीन जैकेट मिल रहा है, लॉन्ग जैकेट का पैटर्न आता है। देखने में ना ये चीज बहुत खूबसूरत लगती है, बिल्कुल हटके वाला पीस है और बहुत ही प्यारा पीस है। यहाँ देखो इस तरह से डोरी है, डोरी के साथ ये टाई अप्स आ जाएंगे अच्छे से। और इसका ना जो प्रॉब्लम क्या हुई मेरे साथ कि मुझे जो ये इसकी स्लीव्स है ना वो टाइट हो रही है। अब पता नहीं मैं इसका क्या करूंगी क्योंकि रिटर्न पीरियड भी ओवर हो गया है। इस तरह से देखो ये टैसल्स आते हैं। यहाँ पूरा 100% कॉटन का कपड़ा मिलेगा, बहुत ही प्यारे प्रिंट मिलेंगे और इसका प्रिंट, इसका कपड़ा, इसका फैब्रिक, एवरीथिंग इज अप टू मार्क यार। 100 out of 100 मिलने चाहिए इस चीज को। फ्लेयर्ड में है ये पूरी जैकेट, इसको चाहो तो टॉप के साथ, किसी भी सॉलिड कुर्ती के साथ किसी तरह से मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। इस अब जो मैं कुर्ती दिखा रही हूँ ना, एक लॉन्ग नारकली कुर्ती है, ट्रांजी फैब्रिक जो जॉर्जेट का फैब्रिक होता है उसमें बनी है। मुझे जब मैंने पिक देखी थी तो मैंने ये सोच के ऑर्डर की थी कि चिकनकारी जो पैटर्न होता है उसमें बनी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, जॉर्जेट के ऊपर बनी है ये पूरी कुर्ती। जॉर्जेट का फैब्रिक है, इसके अंदर कलियां डली हैं और कलियों के ऊपर ना पूरी एम्ब्रॉयडरी है ऊनी धागे से। ओवरऑल पूरा एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता है ये, हाथों से मतलब मशीन से काम किया गया, बूटियों का, बेल का ये काम है। टॉप इसका कुछ इस तरीके से पूरा भरा हुआ व्हाइट कलर का, और सी ग्रीन इसका कलर है। ये देखो इस तरह से सी ग्रीन इसका कलर है, दिखने में ये आपको अभी वीडियो में ब्लू लगेगा, ब्लड ये स्लीव्स आती है, स्लीव्स के ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी है, पूरा भरा हुआ कुर्ता आएगा ये। और ये इतना शानदार है ना व्हाइट कलर की लेगिंग के साथ, ब्लैक के साथ, किसी तरह भी इसको कैरी कर लो, बहुत ही खूबसूरत लगेगा और एथनिक है। चाहो तो दुपट्टा करो वरना बहुत ही सुंदर लगेगा, गर्ल्स के ऊपर फबने वाली, ये भी हमारे बचपन से चीज सुनी थी हमने, गर्ल्स के ऊपर फबने वाली चीज है, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो सारा कलेक्शन मेरा दिल से चूज किया हुआ और बहुत ही प्यारा लगा मुझे, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बट मुझे ही थोड़ी सी फ्लैबी आर्म्स होने की वजह से टाइट हो जाते हैं, तो कुछ नहीं किया जा सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट का इंतजार करूंगी।